नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिडचेल का डबल हेडेड व्हीकल वैन फैन। दोस्तों, इस फैन की खासियत यह है कि इस फैन को आप अपनी कार की 12 वोल्ट की बैटरी पे, जो कि 35 एम्पियर की होती है, उस पर दोस्तों अगर इसे आप चलाएंगे तो दोस्तों ये मिनिमम 12 घंटे के आसपास चलता है। और साथ ही साथ दोस्तों इस फैन को आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। वो दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार इस फैन को घर में यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार दोस्तों आप कार में यूज़ करते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम इसके स्पेसिफिकेशंस को जान लेते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इस डब्बे के ऊपर 1 ईयर वारंटी। अगर दोस्तों इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका मॉडल है HXT517, वोल्टेज है DC 12 वोल्ट, पावर है 9 वोल्ट, वेट है इसका 0.9 kg। साथ ही साथ दोस्तों अब हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे और देखेंगे दोस्तों हमें इस बॉक्स में किस तरह का फ़ैन देखने के लिए मिलता है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो लिखे गए हैं इस डब्बे के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों साइड से भी आप देख सकते हैं ये मेड इन चाइना होता है दोस्तों फ़ैन। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ से भी देख सकते हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जैसा मैंने आपको बताया है। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। अब दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इस फ़ैन को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि ये फ़ैन होता किस तरीके का है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के लिए हम इस डब्बे को अब खोलेंगे। इसमें दोस्तों बड़ी गाड़ी के लिए 24 वोल्ट का आता है और दोस्तों छोटी गाड़ियों के लिए 12 वोल्ट का आता है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसको अपनी ईवन कार के लिए दिया है तो दोस्तों मैंने 12 वोल्ट का लिया है। अब दोस्तों हम इसको डब्बे को खोलेंगे। अब दोस्तों ये हमारे फ़ैन आ गए हैं हमारे सामने। दोस्तों इस तरह की पैकिंग में आता है। अब दोस्तों हम इसको निकाल लेते हैं। ये दोस्तों हमने इसको निकाल लिया है। ये दोस्तों हमारा फ़ैन है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों इस तरह दोस्तों दो फ़ैन देखने के लिए मिलते हैं। ये दोस्तों इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं इन फैंस को। साथ ही साथ दोस्तों ये फ़ैन इस तरह भी मूव कर सकते हैं आप, ये इस तरह दोस्तों मूव कर सकते हैं। इतना यहाँ तक दोस्तों इतना ही होता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पर घुमाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी ये इतना मूव होता है। तो दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे मूव होता है, दोनों फ़ैन दोस्तों ये मूव होते हैं। ये भी दोस्तों करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ तक मूव हो रहा है और दोस्तों ये यहाँ पर भी यहाँ तक मूव हो रहा है। इस तरह दोस्तों इतना मूव होता है और दोस्तों यहाँ पर आप घुमाना चाहते हैं दोस्तों ये पीछे तक मूव होता है। इस तरह दोस्तों 360 डिग्री ये घूम सकता है। ये दोस्तों इस तरह दोस्तों ये इस फैन की खासियत है। जहाँ आप चाहेंगे दोस्तों आप इनको मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों एक फ़ैन को इस एंगल पर चला सकते हैं और दूसरे फ़ैन को इस एंगल पर चला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है ये नीचे से भी दोस्तों ऑटो मूव होता है। इस बटन के थ्रू दोस्तों ये ऑटो मूव होता है। और दोस्तों ये जो बटन है ये इसका ऑफ है। यहाँ से दोस्तों आप एक बार दबाएंगे तो दोस्तों ये थोड़ी कम स्पीड पर चलेगा, यहाँ दोस्तों ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये जो फ़ैन है वो इस तरह का दोस्तों सिगरेट लाइटर के साथ आता है, जो कि दोस्तों 12 वोल्ट की आपकी कार में जो सिगरेट पॉइंट होता है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वहाँ दोस्तों लगाकर आप इस फ़ैन को चला सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस फ़ैन को अपने घर में यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक जुगाड़ करवाना होगा, वो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसके डब्बे में और क्या देखने के लिए मिलता है। एक तो दोस्तों हमें फ़ैन देखने के लिए मिलता है, फ़ैन को दोस्तों थोड़ा सेट कर देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलता है, ये व्हीकल मैन इसके ऊपर लिखा होता है। और दोस्तों इसमें पूरी की पूरी ये देखिए मैनुअल, इसमें दोस्तों पूरा इसमें लिखा गया है किस प्रकार दोस्तों इसको यूज़ करना है। सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इसमें मेंशन की गई हैं। दोस्तों एक यूजर मैनुअल मिलता है और दोस्तों ये डबल साइड टेप मिलती है जिसके माध्यम से आप इसको अपनी कार के डैशबोर्ड पे चिपका सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको आपको अपनी घर की बिजली से इसको ऑपरेट करना सिखाऊंगा। उसके लिए दोस्तों मैंने एक जुगाड़ बनाया, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
इस फ़ैन को दोस्तों बिजली से चलाने के लिए या दोस्तों एडिशनली बैटरी से चलाने के लिए मैंने दोस्तों ये जुगाड़ ख़रीदा था। इस जुगाड़ में दोस्तों क्या होता है, इस तरह का दोस्तों सिगरेट पॉइंट आता है जो कि फीमेल पॉइंट होता है, जो कि गाड़ी में लगा होता है, उस तरह का दोस्तों पॉइंट आता है। इसका दोस्तों एक हिस्सा दोस्तों ये होता है, इसमें दोस्तों एक लाइटर देखने के लिए मिलता है, वो ये दोस्तों टोटल इस तरह आता है दोस्तों, इस तरह का सेट आता है दोस्तों, आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। अब केवल ये बोलना है कि कार का जो सिगरेट लाइटर होता है, वो जो सिगरेट पॉइंट होता है जिससे हम अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, वो क्या आपके पास मिल जाएगा दोस्तों? इस तरह दोस्तों आपको स्टैनली का ऑटो लाइटर मिलेगा जो कि दोस्तों 12 वोल्ट का होता है। इस तरह का दोस्तों इस तरह का फीचर होता है, टोटल दोस्तों इस तरह का ही दिखाई देता है। दोस्तों इस फैन को घर की बिजली पर चलाने के लिए मैंने दोस्तों एक जुगाड़ किया था। उस जुगाड़ में दोस्तों मैंने ये जो आप अडेप्टर देख रहे हैं, ये मेरा डिश टीवी का अडेप्टर है। ये दोस्तों इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, आउटपुट है दोस्तों 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। दोस्तों जिस अडेप्टर का आउटपुट 12 वोल्ट है और एम्पियर उसका 1.5 एम्पियर है, तो दोस्तों उसको आप इसको चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसका अगले भाग को आपको काट लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका जनरली अगला भाग इस तरह का होता है, इस तरह का दोस्तों पिन होता है। दोस्तों मैंने इसको इस तरह काट लिया था, और दोस्तों इसके काटने के बाद मैंने दोस्तों इसके जो दो तार थे, उन दो तारों को दोस्तों ये जो मैं लाइटर लेके आया था कार का, जिसको सिगरेट लाइटर बोल देते हैं, उससे दोस्तों मैंने इन तारों को जोड़ लिया था। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सेंटर वाला तार है उसमें दोस्तों मैंने प्लस जोड़ दिया था, और दोस्तों जो साइड में जोड़ना होता है उसमें दोस्तों मैंने माइनस जोड़ दिया था। अब दोस्तों प्लस माइनस का मैं पता कैसे लगेगा, तो प्लस माइनस का पता करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने इन तारों को इसमें जोड़ा और दोस्तों इस फैन को कनेक्ट किया। अगर दोस्तों इस फैन की हवा सामने की तरफ आ रही है तो उसका मतलब हमारा सही कनेक्ट हुआ है, अगर दोस्तों इसकी हवा पीछे की तरफ जा रही है मतलब हमने गलत कनेक्ट कर लिया है, तो दोस्तों हमें अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना है। इससे दोस्तों हमारा प्लस माइनस का पता लग जाएगा। आपको डरना नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ ख़राब नहीं होता, केवल उल्टा घूमता है अगर आप प्लस माइनस गलत लगा देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जुगाड़ किया था, अब दोस्तों मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। अब दोस्तों इस फैन को अपने इस अडेप्टर से चलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोस्तों जो सिगरेट पॉइंट था इसका लाइटर दोस्तों हम अलग कर लेंगे, ये हमने अलग कर लिया, और दोस्तों इस फैन के पॉइंट को इसके साथ दोस्तों अंदर घुसेड़ देंगे। दोस्तों अंदर घुसेड़ दिया हमने, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम इस अडेप्टर को बिजली के पॉइंट में लगाएंगे, वो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, और बिजली का पॉइंट है दोस्तों वहाँ पे हम इसे लगाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। ये पॉइंट दोस्तों, ये हमने जो अडेप्टर है वो इससे कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं दोस्तों पंखे से, दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया पंखे के तार से, और दोस्तों उसको दोस्तों हमने अडेप्टर को पावर पॉइंट में लगा दिया। अब दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं, दोस्तों ऑन कर दिया, ऑन करते दोस्तों आप देख सकते हैं ये पंखा चलना शुरू हो गया है, मूव होना शुरू हो गया है। ये दोस्तों नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत ही दोस्तों ये तेज़ चल रहा है। मैं दोस्तों इसकी आपको आवाज़ नज़दीक से सुना देता हूँ ताकि दोस्तों आप समझ पाएँ कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह के का है। अब दोस्तों आप इसकी आवाज़ सुनिए कितना तेज़ चल रहा है। दोस्तों इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है, आपको दोस्तों माइक पे क्लियरली सुनाई देगी। दोस्तों आप नज़दीक से इसकी मोटर की आवाज़ तो सुन ही चुके हैं कि ये पंखा कितना तेज़ चल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको इसको रोक के दिखाता हूँ कि ये दोस्तों रुकता किस तरीके का है। या दोस्तों आप बटन देख रहे हैं, ये दोस्तों बटन दो स्पीड बटन इसमें दिए गए हैं। या दोस्तों हम मार्किंग देख सकते हैं, नंबर एक नंबर दो, अभी दोस्तों नंबर दो पे चल रहा है, दो नंबर दो दोस्तों इसका फास्ट मोड है। अब दोस्तों मैं इसको आपको स्लो करके दिखा देता हूँ, ये दोस्तों मैं नंबर एक पे ले आया हूँ, थोड़ा सा स्लो हो गया दोस्तों। अब दोस्तों पंखड़ियाँ आप देख सकते हैं धीरे हो गई हैं। अब दोस्तों मैं इसको बंद करता हूँ, ये दोस्तों आप देख सकते हैं पंखड़ियाँ अब रुक गई हैं। अब दोस्तों मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ, देखिए ये पंखड़ी रुकी हुई है और ये पंखड़ी रुकी है। अब दोस्तों मैं एक नंबर पर चालू करता हूँ, ये दोनों पंखड़ियाँ अब घूमनी शुरू हो गई हैं। अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, चूँकि दोस्तों आप इसको इस तरह एडजस्ट कर ही सकते हैं, पूरा इस तरह घुमा सकते हैं, इस तरह
मेरा दोस्तों पूरा घूमता है, जैसे मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों मैं आपको इसकी पंखड़ी को इसको दोस्तों अलग अलग स्पीड में दिखा देता हूँ। अब चूँकि दोस्तों ये थोड़ा नंबर एक स्पीड पे चल रहा है, अब दोस्तों इसके मैक्सिमम स्पीड पे कर देते हैं जो कि दो नंबर स्पीड है। ये देखिए अब दोस्तों बहुत तेज चलना शुरू हो गया है। अब दोस्तों ये जो आप बटन देख रहे हैं, इस बटन से दोस्तों ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट होता है, वो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों जैसे कि ये पंखा रुका हुआ है क्योंकि हमने स्टॉप मोटर पे इसको सेट किया हुआ है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा ये दोस्तों रोटेट होना शुरू हो जाएगा। पहले दोस्तों हम इसको सीधा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पता लग जाए कि किस तरह दोस्तों काम कर रहा है। दोस्तों हमने इसको सीधा कर लिया है। अब दोस्तों मैं इसको रोटेशन मोड पर डाल रहा हूँ। ये दोस्तों जैसे आप बटन दबाएंगे तो तुरंत ही रोटेशन मोड पर आ जाएगा। ये देखिए अब ये रोटेट होना शुरू हो गया दोस्तों। अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया फैन है, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। अगर दोस्तों आप इसको अपने रूम में लगा के यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है, आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली है, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस फैन को आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे महिलाओं को किचन में काम करते हुए गर्मी लगती है तो दोस्तों ये फ़ैन इतना इफेक्टिव है कि आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने देगा, बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। अब दोस्तों इसका परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसा है इसके सामने दोस्तों मैं आपको आके दिखा देता हूँ, जिससे दोस्तों आप समझ पाएंगे इसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसा है। मेरी टी शर्ट हिलती है नहीं हिलती ये सब दोस्तों आप देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं इसको आपको बैटरी से चला कर दिखाऊंगा। बैटरी से चलाने के लिए दोस्तों इसकी मुझे थोड़ी सेटिंग्स करनी होंगी जो दोस्तों थोड़ा टाइम लेंगी, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा रुक के इसको बैटरी से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैं इसके सामने खड़ा हो गया हूँ, मेरी दोस्तों टी शर्ट किस तरह हिल रही है। अब ये देखिए कितने तरह दोस्तों हिल रही है, ये देखिए किस तरह दोस्तों मेरे चेहरे पर हवा लग रही है, पूरा दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब दोस्तों बंद करूँगा, देखिए कुछ नहीं हुआ। ये देखिए टी शर्ट हिलनी बंद हो गई है, सब कुछ हिलना बंद हो गया, देखिए टी शर्ट हिलनी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अब मैं दोस्तों इसको अपनी कार से कनेक्ट करूँगा। कार से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों मैं एक्स्ट्रा बैटरी का यूज़ करूँगा, वो दोस्तों किस तरह मैंने सेटिंग की, किस प्रकार मैं एक्स्ट्रा बैटरी पे इसको चला रहा हूँ, किस प्रकार दोस्तों मैं इसकी सेटिंग करूँगा, सारी की सारी चीज़ दोस्तों आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, बाय बाय।